जोर से जबान से बोल आया ना। हाँ क्या बोले थे, मार दो बोले। हाँ झगड़ लो कुत्ते के साथ, झगड़ उसको, घर में लड़ाई भी लगा रहा था उसके। हाँ हाँ जबान से बोल हाँ या ना, हाँ या ना। क्या कर रहा था, लड़ाई लगा रहा था। अच्छा गला गला के मार देने का था। हाँ तड़पा रहा था अंदर से, खुद ब खुद आया जादू कर, इसको जादू से भेजे, खुद ब खुद आया। जल्दी बोल, खुद ब खुद आया जादू से भेजे। कहाँ से आया, शमशान से, कब्रिस्तान से? हाँ सही सही बोल, मेरे सवाल के जवाब देते तुझे आजाद करेंगे। शमशान से आया, कब्रिस्तान से आया, कहाँ से? हाँ कहाँ से? मार देने का था दूसरों को, तकलीफ दे रहा था तू अंदर बैठ के। तो पहले भी वो दूसरी जगह बना लग गए थे नी। हाँ। क्या बोली थी, पूरा याद है मुझे, पूरा याद रहता, अभी भी वही सच याद है। अच्छा पूरा याद करके नहीं आया कमीने, एक मौका दे रहा हूँ तुझे, एक पूरा याद करके आके बयान कर रहा हूँ। झूठ बोल रहा था। नहीं नहीं कोई अल्फाज नहीं सुनूंगा मैं तुझे, एक मौका दे रहा हूँ, एक मौका दूसरे राउंड तक आके सही सही नामा बयान करना। कौन डाले थे उसके अंदर, कहां से लाए थे पकड़ के, शमशान से, कब्रिस्तान से, कितने लोग थे, क्या दुश्मनी थी, सब बयान करना आके मुझे दूसरे चक्कर में, नहीं तो तुझे काट के पूरा खत्म करूंगा कमबख्त। पानी पिलाऊंगा, गिलास में पानी, घर पे सताता बहुत आ जाता, इधर लाओ पानी का गिलास। हाँ पिलाओ उनको, दर्जदार के अमरल जी, दो मिनट। ये जो मसला है इनकी जो है ये हाजरी, ये 50% है, ये 100% नहीं है। 100% जो रहता तो जब आता तो कुछ ही चीज याद नहीं रहता पेशेंट को, क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ, कितनी देर चला, पानी मार के बाद में होश में लाना पड़ता, तो पेशेंट बोलता क्या भी, तो कुछ भी याद नहीं है। और ये जो है तो ये इनकी जबान और दिमाग पकड़ के बात कर रहा है, इसका मतलब ये 50% पे है और 50% पेशेंट को भी याद रह रहा। ये रूहानियत के मामले अलग रहते, जिन्नात अलग रहते, खबीज अलग रहते, शैतान अलग रहते, सब इसमें अलग 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 बहुत सारे उसमें वो है, और उस हिसाब से वो आ रहे, उस हिसाब से वो अमल करते, उस हिसाब से वो मारते गलाते सड़ाते, और बहुत सारे दास्तान हैं। और सबसे अहम सबसे मुद्दे की बात जो रहती तो आला व अफजल अल्लाह का कलाम है और इबादत है, इबादत की रस्सी को ज्यादा से ज्यादा मजबूती से थामना, ये सब चीज़ों पर काबिल, ये सब चीज़ों पर हुकूमत करने वाला अल्लाह का कलाम है, सिर्फ कलाम इलाही। लोग बोलते दिमाग के अंदर लोगों ने गलत बातें बिठा के रख दिया, अल्लाह के काले जादू से काला जादू कटता, गलत 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 बातें एक बार भी नहीं कटता। कैसा कटेगा, लोहा लोहे से कटेगा, मगर काला जादू काले जादू से नहीं कटता। जादू को काटने के वास्ते अल्लाह का कलाम ही चलता और कलाम इलाही की ही मदद से तुमको फैज मिलता, और अल्लाह खुद जमीन पर आकर फैज तुमको नहीं देता क्योंकि उसकी शान के खिलाफ है जमीन पर आना। उसके नूर को कहाँ से जमीन बर्दाश्त कर सकेंगी, ये जमीन सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो सूरज को बनाने वाले को कैसा देख सकेंगी, उसको कैसा बर्दाश्त कर सकेंगी। इसलिए अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता, चुनिंदा बंदे जो रहते उसके उनके हाथ से फैज पहुंचाता, और शैतान के जो चुनिंदा बंदे रहते, जो इबलीस के जो चुनिंदा बंदे है, तो वो क्या करते, लोगों को जहमत देते, तकलीफ देते, लोगों को परेशान कर देते बहुत सारी बातें। और दुआ और बद्दुआ में ऐसा तासीर रखा अल्लाह ने, दुआएं तो मोमिन का हथियार है और बद्दुआओं में भी ऐसा तासीर रखा अल्लाह ने कि हलाक कर देती, बर्बाद कर देती, बहुत खतरनाक बातें, बहुत सारी दास्तान है। अल्लाह सब लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बार बार मैं एक बात कहता कि इबादत करो, इबादत करो, इबादत जब करेंगे तो तुम्हारा रब तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा खुदा। और जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की ठान लेता तो फिर सातों जमीन और आसमान में कोई तुम्हारा जहमत नहीं दे सकता, और अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत छोड़ दी तो फिर सातों जमीन और आसमान में कोई तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार यही बताता हूँ कि सब वबाओं से बलाओं से बचने का तरीका अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के बुजुर्गान दीन को वली अल्लाहों को कभी बुरा नहीं बोलना। गलती से भी तुम्हारी जबान उनके खिलाफ में अगर चल रही अल्लाह वालों की, तो समझ जाना तुम्हारी जबान कोई और पकड़ के चला रहा। वली अल्लाहों को बुजुर्गान दीन को सिर्फ शयातीन बुरा बोलते,
और तुम अगर शयातीन के साथ मिलके बुरा बोलेंगे बुरा सुनेंगे तो अल्लाह फरमाता बुरा बोलने की तो बात बहुत दूर की है। अल्लाह फरमाता उनके बारे में खाली बुरा सोच लिए, दिल में खाली जरा सी बोझ रख लिए, खाली कीना कपट रख लिए दिल में वली अल्लाह के वास्ते, तो तुम्हारे से अल्लाह खुले जंग का ऐलान करता, क्योंकि वो अल्लाह के वलिया अल्लाह के दोस्त है। और अल्लाह फरमाता कि फिर मैं तुमसे खुले जंग का ऐलान करता, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाकर फिर बचेंगे, कहाँ। फिर अल्लाह कुरान में ये भी फरमा देता सूरह रहमान के अंदर, आए जिन और इंस भागो, खुदा की रियासत छोड़ के भागो, तुम कहां तक भाग सकते, अल्लाह की रियासत छोड़ के निकल जाओ, तुम जहां पर भी जाओगे वहां पर खुदा को ही सुल्तान पाओगे। तो ये सब बातें हैं, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। बार बार मैं यही बताता कि इबादत इबादत इबादत, कोई जादूगरों के पास नहीं जाना, कोई जादूगर के पास नहीं जाना, इलाज वालों के पास नहीं जाना, तुम्हारे जिंदगियां बर्बाद कर देते। जिसने जादू चलाया वो भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता, और जो तुम्हारा जादू उतार रहा बोल के तुम्हारे बेवकूफ बना बना के तुम्हारी वो भी जिंदगी बर्बाद करता, क्योंकि उसको कोई एक कौड़ी का भी इल्म नहीं रहता। और वो क्या करता, तुम्हारे उल्टे टिल्टे आसमानी के चक्रों में सारा प्रैक्टिकल में तुम्हारे बर्बाद करके डाल देता, उल्टा पैसे भी सभी चूर लेता, सेहत भी राइट नहीं करता, बाद में हलाक हो जाते। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ अल्लाह के दरो पे जाओ, वहां से अल्लाह खुद फरमाता मैं फैज पहुंचाता, उनका हाथ बन के फैज कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरी सोच बन जाऊं, कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरी आंख बन जाऊं, कर मेरी इतनी इबादत कि मैं तेरा हाथ बन जाऊं, तेरी जबान बन जाऊं, तेरा पैर बन जाऊं। तो इसका मतलब क्या है, जिस बंजर जमीन पे तू अगर पैर रख देगा तो तू नहीं रखा वो मैं रखा, अल्लाह फरमाता उसमें अनाज उगा दूंगा, हरियाली फोड़ दूंगा, हजारों साल तक जाना नहीं उठ सकता वो इस जमीन पर। तेरा हाथ बन जाऊं तू, जिसके सर पे से हाथ फेर दिया उसके सारे वबाएं बलाएं दूर कर दूंगा, उसकी तकदीर बदल दूंगा, क्योंकि तू थोड़ी फेर रहा हूं मैं तेरा हाथ बने आऊंगा, इबादत तूने इतनी करा। तेरी जबान बन जाऊं, तेरे जबान से जो निकला वो पत्थर की लकीर रहेगा, तू मुर्दे को बोलेगा उठ और उठ के बैठ, जैसा अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उठ अब्दुल कादर के हुक्म से, तो मुर्दा उठ के बैठगा, क्योंकि जबान किसकी थी, फिर अल्लाह की जबान थी ना। अल्लाह फरमा रहा ना कर मेरी इतनी इबादत की मैं तेरी जबान बन जाऊं, और जबान बन के अल्लाह ने क्या फरमाया, अब्दुल कादर के हुक्म से, तो मुर्दा उठ के बढ़ गया, क्योंकि ज़बान तो अल्लाह की थी। कर मेरी इतनी इबादत की तेरी आंख बन जाऊं, पर आते हुए तूफान को देख लिया तो तूफान पलट जाएगा एक मिनट में, क्योंकि मैं तेरी नजर बने आला हूं, तेरी सोच बन जाऊं, जो तूने सोच लिया वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरी सोच बने आला हूं, तू मेरे वास्ते इतनी इबादत करा, मेरे राह में मिट गया मिटा दिया, नाच गाने टीवियां डीए वो फैशन तुम्हारा बहुत होना है जमाने में, गाने याद हो जा रहे, दुआएं याद नहीं हो रहे, कुरान याद नहीं कर सकते, शर्म करो, शर्म नालायक हो, तीन घंटे का पिक्चर देखते कितने कितने मिनट के गाने याद कर लेते तुम, मुंह जबानी एक अल्फाज इधर का उधर में जाता, सुरताल भटकता नहीं, फिर कुरान तुमको याद क्यों नहीं हो रही, जेर जबर के साथ में दुआएं याद क्यों नहीं हो रहे, गाना याद करके तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला, कुरान हदीस ये सब याद करके तुम्हारा फायदा होने वाला, खाली टाइम में कुरान सुना करो, बजा के सुनो, रिकॉर्डिंग में सुनो, गौर से सुनो, पढ़ने आता तो हाथ में लेके पढ़ो, तो तुमको ये सब बातें बहुत कुछ तुम्हारी रूहानी भी बोलूंगी। और तुम अगर नहीं हो सक रहे, तुम अपने आप का जादू नहीं हटा सक रहे, तो तुम जिक्र अस्कार ज्यादा करेंगे तो तुम्हारा जिक्र अस्कार तुम्हारा को बचेगा, और तुम ज्यादा नहीं भी कर सके तो कोई एरिए के बड़े बुजुर्ग तुम्हारे उनकी रूहानियता तुम्हारे साथ अटैच होकर तुम्हारे ऊपर का सब हटा देंगी। ये बहुत सारे बात से बारीक बातें कौन बताएगा तुम्हारा, अगर मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। हाँ, और एक बात खुसूसन ये बोलूंगा मैं कि प्लेनेट की तुम इतनी ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब मत करो, दुनिया के माहौल को माहौल का भी ख्याल रखो, तुम इतना पोल्यूशन कर दे रहे दुनिया के अंदर, ये क्या बोलते हो, मैं बयान करने को अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं परसों गया था, आगे की वीडियो में बता के जोड़ के डालूंगा मैं दूसरा उसको वीडियो बना के, तुमने जानवर को भी तो जीने का, अगर वो मर जाएंगे ये सब होगा, प्लेनेट तक इतना खराब कर दे रहे, तुम झाड़ा काट दे रहे, नदियां सुखा दे रहे, नदियों में बिल्डिंग बन दे रहे, वहां पे भी जगह बसने आ रही क्या, अरे अक्ल से पैदल लोगो, ये तुम्हारे वास्ते ये सब चीजा, तुम नदियों को मिटा देंगे, झाड़ों को काट देंगे, जानवरों को मार देंगे, तुम भी दुनिया में नहीं जी सकेंगे, क्योंकि वो सब ऐसा सिस्टम है, निजाम है कुदरत का, वो सब तुम्हारे नेचुरली निजाम नेचुरली सिस्टम में पैदा करा रहा है, वो सब तुम्हारे वास्ते जरूरत है, तुम्हारी जरूरत है वो, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तुमको ऑक्सीजन झाड़ नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं ऑक्सीजन, कैसा भाग रहे थे कोरोना काल में सिलेंडर ढूंढने को ऑक्सीजन, क्या झाड़ा लगाओ ना फिर ज्यादा से ज्यादा, अकला नहीं क्या, बेच के खा गए, झाड़ा काट दे रहे, जानवरों को मार दे रहे। मैं परसों गया था बॉम्बे में तो मैंने देखा रोड की साइड में झाड़ के नीचे कौवा मर के पड़ा, बहुत अफसोस हुआ मुझे देखकर, और मैंने ऊपर रिकॉर्डिंग में भी लिया, ऊपर कोई तार भी नहीं है, अगर चलो उसको करंट लग के मराऊंगा, चलो उसको कुछ होगा, यानी कि तुमने माहौल को इतना खराब कर दिया, हर जगह पोल्यूशन कर दिया तुमने, एयर में पोल्यूशन, वाटर में पोल्यूशन, सूखे में पोल्यूशन, हर जगह जानवर तक नहीं बच रहे, जानवर तक मर जा रहे, तो तुम जानवरों का अगर ख्याल नहीं रखेंगे और इन्वायरमेंट को तुम ज्यादा नुकसान पहुंचेंगे तो किसका कुछ नहीं जाने लग, तुम्हारा
अपने हाथों से अपने खबरा खोद रहे तुम, तुम्हारे फ्यूचर जो आने वाले तुम्हारी नस्लें रही है आगे की उनको तकलीफ दे रहे तुम, उनके वास्ते तुम सब खत्म कर दे रहे। अब जब ये नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा तुम्हारे को आगे की नस्लें कोसेंगी तुम्हारे, कमबख्तो शर्म करो नाला को, तुम्हारे क्या इतने खुदगर्ज हो गए कि जानवरों का ख्याल नहीं रखे, कोई चीज तुम्हारे बस नहीं आ रही, जानवरों को भी तुम क्या बोलते हो ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे, तुम ना लोगों पे रहम कर रहे ना जानवरों पे रहम कर रहे ना कुछ ना क्या, तो तुम यकीनन आजाब में घिरने वाले और यकीनन फिर इससे मरेंगे, हलाक होंगे, गर्क होंगे, किसी का कुछ नहीं जाता। बार बार मैं सिर्फ यही कहता, अगर तुम इबादत की रस्सी को मजबूती से थामेंगे तो तुम खुद नेक वक्त बनेंगे और खुद बहुत तुम्हारा दिल दिमाग तुम्हारी रहबरी करेगा और तुम राइट चलेंगे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। और बार बार एक बात बोलूंगा कि ये वबाओं से अल्लाह की पनाह में रहो, अल्लाह को बोलो कि तेरी पनाह में रख, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में ये वबाओं को ये बलाओं को हमारे घर तक मत आने दे। तुम्हारे घर में बेटा जिस दिन घुस जाएंगे ना ये बलाएं तो उस दिन तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, ना तुम्हारे नमाज पढ़ने देते, ना तुम्हारे कुरान पढ़ने देते, ना तुम्हारे हदीस ना अल्लाह रसूल के नजदीक जाने देते। ये बलाएं सुनो ना सारे वीडियो में बयान कर दिया मैंने, और ना तुम्हारे पे कोई दवा गोली का कार होने देते, ना तुम पे दुआ पानी का कार होने देते, क्योंकि हटाने वाली शख्सियतें अल्लाह ने दुनिया में बहुत कम रखे वाले, और हटाने वाले ओरिजिनल तक तुम पहुंचे पहुंचे तक तुम्हारे पहले डुप्लीकेट बर्बाद कर देते, आधे से ज्यादा खबर तक पहुंचा देते। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे। और अल्लाह वबाओं से बलाओं से इसी आफतों से आसमानी आफतों से जिन्नातों से खबीसों से उम्मत मोहम्मद की हिफाजत फरमाए। चलो रोक दो।